ब्रह्मण इति कर्मणि षष्टि न शेषे। ब्रह्म शब्द यहाँ ब्रह्मण जिज्ञासा में वह शेष षष्टि न मान करके कर्मणि में आया हुआ षष्टि समझनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा शब्द है वो कृदंत है, कर्तृ कर्मणो कृति कर्म में आया हुआ, इसलिए षष्टि माननी चाहिए कृदंत का योग में। और कारण क्या कर्म ही मानने का, वो भी हेतु दे दे रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासी अपेक्षत्वात् जिज्ञासाया, जिज्ञासा जो होती है, इच्छा जो होती है, इच्छा का जरूर कोई ना कोई विषय होगा, कर्म होगा। बिना किसी विषय का ऐसी इच्छा हो गई, क्या इच्छा हुई, लोग पूछते ना किस चीज का इच्छा है भाई, कोई ना कोई वस्तु होगा जिसकी इच्छा हो, ऐसे वैसी इच्छा है, इच्छा क्या पागल हो गया, ऐसी थोड़ी इच्छा होती है, किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी विषय का, किसी न किसी जो है लोक का या खाने पीने की, कोई ना कोई होगा कुछ ना कुछ, उसी को हम क्या बोलते इच्छा का कर्म, व्याकरण भाषा में उसको कर्म संज्ञा है। इच्छा रूपी जो गुण है तद अनुरूप जो इच्छित इत्याग करके क्रिया का कर्मभूत अवस्थ होता है, और बिना होता कर्म के इच्छा का नाम हो ही नहीं सकता कोई वस्तु, इसलिए इच्छा यदि है तो उसका जरूर कर्म होगा। इसे ये भी ज्ञान की इच्छा जिज्ञासाया जिज्ञास अपेक्षत्वात्, क्योंकि जिज्ञासा जो होगी वह अवश्य जिज्ञास की अपेक्षा करती है, और वह जिज्ञास यहाँ पर जो कथित है ब्रह्म शब्द से बोहित है, उससे अलग कोई दूसरा या कथन भी नहीं है। जिज्ञास्यांत्र अनिर्देश, इस सूत्र में ब्रह्म के अलावा कोई दूसरे पदार्थ को जिज्ञास्य रूपेण निर्देश भी नहीं किया है, इसलिए सूत्रस्थ ब्रह्म को ही हमारा जिज्ञासा का कर्म मानना पड़ेगा, अतएव ब्रह्म कर्म है कर्मणि में, इसलिए सृष्टि मानना उचित हुआ। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज कोई जरूरी नहीं है, शेष षष्टि मानने पर भी हो जाएगा काम, कहते कैसे, ननु शेष षष्टि परिग्रह भी ब्रह्मण जिज्ञास कर्म तम न विरुद्यते, शेष षष्टि और अन्य षष्टियों में बहुत अंतर है। शेष षष्टि का मतलब होता है जिसके संबंध का निश्चय ही नहीं, कल्पना कर लो दो पदार्थों का पीछे समास होता है ना, उसमें एक षष्ठ्यंत होगा दूसरी प्रथमांत होगा, तब तो हम षष्ठी समास कहते हैं उसको। जब शेषत्व रक्षापूर्वक हम षष्ठी समास करते हैं, वहां षष्ठी का बोध्य संबंध का अनिर्णय है, उन दो पदार्थों के ऊपर निर्भर है, आपकी मर्जी है जो चाहे समझ लीजिए। जैसे राज्य पुरुषा को दिया, इसे षष्ठी समास यहां हुई, तब वहां से निर्णय लेते भाई यहां संबंध क्या हो सकता है, राजा तो स्व है, स्वामी है, उसका स्व पुरुष है, इसे स्व स्वामी भाव रूपी संबंध वहां कल्पना कर लेते हैं। इस तरह से अनिर्धारित संबंध होता है यदि शेष षष्ठी है, तो उससे भिन्न षष्टि प्रतिपद विधान जो षष्टियां होती है वो षष्टियां निर्धारित संबंध वाली होती है। पूर्व पक्षी कहता है अनिर्धारित संबंध में समास कर दो, सामान्य रूपेण हो गए ना, पर जब विशेष की आकांक्षा होगी तब बताएंगे कर्म, तब कहते तो गौरव काम हो गया, जो गौरव काम हो गया ना, मान लो कोई भिक्षा का कटोरा लेके खड़ा है और उसको खीर दिया जा रहा है, और खीर जब डाला गया उसे छिड़क के दो चार यहां लग गया कि होनी में, तुम पहले खीर जो कटोरा का खीर खाओगे कि इसे चाटने लग जाओगे, हैं क्या करोगे भाई, चाटोगे तो नहीं, पहले यही होगा भाई को कटोरी खीर खाओ सीधे, जो सीधे उपलब्ध उसे छोड़कर इधर चाटने लग जाए, और ऐसा ना कि चाटने में वही लुढ़क जाए, और खतरा भी है ना उसमें, तो इधर उधर यूं करेगा तो लुढ़क जाएगा सारा खीर चला जाएगा, तो वैसी मूर्खता का काम तो नहीं करना चाहिए। जब संभव है जहां सीधे चीज उपलब्ध है उसको सीधे ग्रहण कर लो, बाद में देखी जाए टेढ़ी मेढ़ी रास्ता जरूरत पड़े तो वो भी स्वीकार कर लेंगे, जहां बिल्कुल सीधा रास्ता संभव ही नहीं वहां शेष षष्टि हम स्वीकार करें, पहले सामान्य बनाओ फिर बाद में उसको विशेष की अपेक्षा करो। यहां जब सीधा संभव है कर्मणि की जिज्ञासा शब्द जो है जिसके साथ तुम समास करने जा रहे हो वो कर्म की अपेक्षा जरूर कर ही रहा है, और कर्मत्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है वहां ब्रह्म, और उसको सीधे कर्मणि में सृष्टि करके समास करने की अपेक्षा से शेष अक्षर बनाओ फिर उसे विशेष की अपेक्षा करो तब कर्मत्व को ले आओ, ये तो महान गौरव काम है, लाघव यही है कर्मणि में मानना।
इसलिए कहते हैं शेष सृष्टि परिग्रह भी ब्रह्मणो जिज्ञास कर्मत्व न विरुद्धते। पूर्व पक्ष कहता है कि श्रेष्ठ शेष सृष्टि का परिग्रह कर लोगे ना तो ब्रह्म जिज्ञास कर्मत्व जो चीज था वह कर्मत्व का हानि नहीं होगी, कोई विरोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संबंध सामान्य विशेष निष्ठत्वात् हो गया ना। पहले हम संबंध सामान्य स्वीकार करेंगे, फिर उसके बाद उसको संबंध विशेष की आकांक्षा करेंगे, या उसके आकांक्षा करके निर्णय ले लिया जाएगा या कर्म ही संबंध है, कर्म निरूपित संबंध है जिज्ञासा के साथ। ऐसा कल्पना हो सकती है तो कर्मत्व भंग भी नहीं हुआ और शेष सृष्टि भी रह गया। तगत एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व सृज सामान्य तरण परोक्षम कर्मत्व कल्पय तो व्यर्थ प्रयास। न्याय वही है, करस्तम पायसम त्यक्त्वा कूर पर लेढ़ी व मूर्ख हो यथा। कहते हैं कि करस्तम पायसम त्यक्त्वा कूर पर लेढ़ी मूढ़ दी ही यथा। करस्त पायस को त्याग करके कूर पर कहते केहूनी, यहां पर पड़ाव जो कहूनी के हिसाब जो होता है इसको कूर पर कहते संस्कृत में, यहां पर पड़ाव कीर को चाटने में लग गया। ऐसा जो मूढ़ बुद्धि वाला है, जैसे और भी लोग बताते ना प्रसिद्ध कहानी होती है सब दुनिया में, तो आदमी को बोला गया घी का कटोरा दिया, भाई घी ले आओ, गया बेचारा घी लाने के लिए, घी जो है ये पकड़ के ला रहा था हाथ में, बाएं हाथ में संभाल करके ला रहा है, लाते 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 क्या हुआ कि टाइम पूछा कट से कर दी, सारी घी चली गई। घड़ी पूछा टाइम कितनी है और टाइम देख रही उल्टा कर दिया, और सारे घी कहां जाएगा, उसको बुद्धिमान कहेंगे मूढ़ बुद्धि वाला कहेंगे। वही हाल यहां पर भी है, जब प्रत्यक्ष सिद्ध उसे छोड़ करके अप्रत्यक्ष वस्तु को ग्रहण करने के लिए जा रहे हो उसमें क्या होता है कि गौरवकारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं करस्थम पायसम त्यक्त्वा कूर पर लेढ़ी मूढ़ धीर्य था तथा। यहां भी कहानी बन गया क्या, एवं प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व उत्सृज्य, पहले आपने क्या किया ब्रह्म में जो प्रत्यक्ष कर्मत्व था उसे त्याग दिया, त्याग करके उसे सामान्य संबंध की अपेक्षा करी, तद्वारा परोक्षम कर्मत्व कल्पय तो, तद्वारा आपने उसके अंदर एक कल्पना किया या क्या विषय संबंध हो सकता है जी, तो कर्मत्व हो सकता है। प्रत्यक्ष तो आपने क्या स्वीकार किया उसमें संबंध सामान्य को, फिर विशेष आकांक्षा ने पर कर्मत्व को कल्पना हुई, ये गौरव हुआ कि नहीं हुआ, जो प्रत्यक्ष से प्राप्त कर्मत्व को त्याग करके उसे सामान्यत्व मानना फिर विशेषत्व से परोक्ष रूपेण कर्मत्व की कल्पना करना ये व्यर्थ प्रयास ही है। पूर्व पक्ष कहता है न व्यर्थ स्यात्, हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है क्योंकि इसमें लाभ है। लाभ क्या है, ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थता, ब्रह्माश्रित जो समस्त विचारों की प्रतिज्ञा करना इष्ट है यहां पर तत्संबंधी चेतना। आप देखते हैं जहां भी ब्रह्म का विचार चलता है उपासना भी आ जाती है, कहीं कुछ और भी आ जाते हैं, कई बातें आ जाती है, केवल सीधा शुद्ध ब्रह्म को कोई बोलता ही नहीं, ना बोल सकता कोई, बोलना ऐसे ही पड़ता है, अन्य अन्य प्रक्रियाओं से ही ले जाना पड़ता है उस तरह, अलक्षित कर देना पड़ता है ये अक्षर है ये ब्रह्म है। तो इसलिए कहते यहां पर केवल ब्रह्म की चिंतन तो होना है नहीं, यहां अन्य न्याय मीमांसा योग सबका खंडन भी करोगे, सारा उपासनाओं को भी लाओगे, उसका भी स्वरूप निर्णय करने जा रहे हो, फल का भी निर्णय गति का भी निर्णय, ये तो शुद्ध ब्रह्म का मामला है थोड़े, उसके संबंधी है ना, ब्रह्म विचार के संबंधी है। इसे ब्रह्म विचार संबंधी से ब्रह्माश्रित समस्त विचारों का प्रतिज्ञा कोटि अंदर लेना है हमें, अतः पहले सामान्य संबंध बाद में विशेष समझ स्वीकार करूंगा, अतः मेरे प्रयास में कोई व्यर्थता नहीं है, इसमें लाघव है सर्व संग्रहार्थ है ये सिद्धांत के चिन्ह। अरे वे क्या जरूरत, प्रधान परिग्रह तद अपेक्षिता नाम अर्थाक्षिप्तत्व, आप प्रधान को परिग्रह कर लीजिएगा, जब प्रधान को परिग्रह कर लिए तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है उससे अपेक्षित जो भी अन्य पदार्थ होंगे वह सारे के सारे अर्थ आक्षिप्त हो जाते हैं, स्वयं गृहित हो जाते हैं। जैसे कह दिया कि प्रधानमंत्री जा रहे, वो अकेले थोड़े पैदल जाएगा सड़क पे, अब प्रधानमंत्री जा रहा है का मतलब क्या, उसके साथ आगे पीछे पुलिस होगा, अन्य मंत्री संतरी होंगे, कोई ना कोई अधिकारी लोग होंगे, सब होगा, ताम झाम के साथ ही तो जाएगा, वो अकेला तो कहीं नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, जा भी नहीं जाएगा तो मार डालेंगे उसको उल्टा, क्यों गए पूछेंगे,
सर कानून है, वो जा नहीं सकता, हमेशा उसका रहेगा एसपीजी बोलते, स्पेशल पुलिस गार्ड, पुलिस का वर्दी नहीं होता, साधारण वर्दी पहने रहते। आपने देखो फोटो बिला लगा हुआ रहता नहीं, बिला वाले रहते चार छागर बंद, वो कौन है, वो एसपीजी बोलते हैं, स्पेशल पुलिस गार्ड होते हैं, बहुत तेज खोपड़ी की, उनकी नजर गिद्ध की होती है, एक किलोमीटर दूर में कोई खड़ा है लेकर के देख लेंगे बंदूक की क्या है, ऐसे लोगों को ही रखा जाता है उस काम। और चार तरह से रहते, इस तरह से कहीं से गोली भी चल जाए तो उनके ऊपर लगेगा, व्यक्ति को रक्षा कर रहे थे, चारों तरफ से रहते हैं, इसलिए जा नहीं सकता। इसलिए जा रहे का मतलब कि राजा जा रहा है, इसका मतलब वो समस्त अंगरक्षकों के साथ, मंत्र संत्री के साथ, सारी चीजों के साथ जा रहा है, सब परिवार जा रहा है। तद्वत यहां ब्रह्मरूपी प्रधान को अपने ग्रहण कर लिया, तो प्रधान ग्रहण करने मार से अवान्तर जितने भी अपने आप सब गृहित हो जाएंगे, उसको पृथक ग्रहण करने के लिए यहां इतनी गौरव काम करने की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म ही देखो व्याख्या कर रहे, स्वयं ब्रह्म ही ज्ञानी आप्तम इष्टतम प्रधान, ज्ञान के द्वारा आप्तम इष्टतम, यहां पर व्याकरण की भाषा बोल रहे हैं, यदि भी ब्रह्म प्रापणी नहीं है, आप्तम इष्टम इष्ट कहां से, आप तो आपणी आप ही है नहीं, वो आगे खंडन स्वयं करेंगे, इसलिए यहां पर व्याकरण की भाषा में केवल कर्मत्व के लिए, कर्मत्व के दृष्टि ईप्सितम कर्तरीप्सितम कर्म है ना, उस दृष्टि से कह रहे हैं यहां पर ज्ञान के द्वारा ब्रह्म जो है आप्तम इष्टतम है, अतएव वो प्रधान हो गया, क्योंकि यहां व्याकरण की चर्चा चल रही है, कौन सा समास मानना है, क्या अर्थ लेना है, इसे उसी भाषा से बोलेंगे, ये नहीं सोचना ब्रह्म को कह दिया आप प्रापणीय, ऐसा अर्थ नहीं लेने, जहां जिस दृष्टि से व्याख्या हो रहा है उसको उसी हिसाब से ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यहां भाषा जो हो रहा है व्याकरण की भाषा प्रयुक्त है, ज्ञान के द्वारा आप्तमिष्टतम पदार्थ होने के नाते ब्रह्म क्या है, प्रधान हो गया, तस्मिन् प्रदाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहित है, जिज्ञासा का कर्म होता वह प्रधान तत्व को जैसे ग्रहण कर लिया, येर जिज्ञासी तैर बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति, तानी अर्थाक्षिप्तानि एव इति न पृथक सूत्रितव्यानि, इसलिए जिनकी जिज्ञासित हुए बिना ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती है, जिनकी जिज्ञासा पूर्व में किए बिना उत्तर काल में ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती है, वो सारे के सारे गृहित हो गया ब्रह्म जिज्ञासा कहने मात्र से, कि उनके बिना ये हो ही नहीं सकता, ये बिना यदन पुनम तत्न आक्षिप्य थे, सामान्य नियम है, जिसके बिना जो संभव नहीं है वह है का मतलब क्या है, वह सारी चीजें भी हैं साथ में, वह प्रधान वस्तु जिसके बिना नहीं हो सकता, इसका प्रधान है का मतलब क्या हुआ, वे सब जो आनुषंगिक पदार्थ जितने भी है, उसका पीछे लघु जितने भी हैं, वो सब के सब अवश्य ही वहां होते हैं, नहीं तो आए और बिना चमचों के चार के आए तो कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता, जरूर चार होंगे आगे पीछे। तथा तो यहां पर भी ये कहते हैं कि भाई जब प्रधान ब्रह्म पकड़ में आ गया, ये प्रधान के साथ में चलने वाले उपासना है, गति है, इत्यादि सब चीज अपने आप ग्रहण हो जाएंगे, क्योंकि ये जिज्ञासित बिना, उनकी जिज्ञासा को जान करके पूरा किए बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति, ब्रह्म की जिज्ञासा ही अपूर्ण हो जाती है, अतएव तानी अर्थाक्षिप्तान्येव, उन सारे पदार्थों को अर्थतः आक्षेप हो जाता है, इति न पृथक सूत्रितव्यानि, इसलिए उसको सूत्र के द्वारा या किसी सूत्र किसी शब्द का किसी प्रत्यय किसी अंश के द्वारा कथन करने की अपेक्षा नहीं है, दृष्टांत समझाते यथा राजा असौ गच्छति इत्युक्ते सपरिवार से राज्य गमन मुक्तम भवति तद्वत्, जिस प्रकार से कह दिया किसने राजा जा रहा है का मतलब क्या, राजा वो अपने परिवार के परिवार से तात्पर्य, ये नहीं कि पत्नी बच्चे, वो तात्पर्य नहीं, राजा के साथ हमेशा पत्नी बच्चे जाना भी जरूरी नहीं, या मंत्री संतरी वगैरह सारा वही उसका परिवार है, सपरिवार से राज्य गमनम उक्तम भवति यथा तद्वत्, उसी प्रकार यहां भी समझ लो, इतना ही नहीं एक और हेतु देते हैं, श्रुति नुगमाच्च, ये सब सूत्र पर का है समझना, ये जो भाष्यकार के वचनों को ध्यान रखना है, पहले कहा था ना चौदना प्रवृति भेदाच्च है ना, जिज्ञासी भेदाच्च, ये सब हेतुओं को ध्यान रखना, अलग अलग हेतु है जो दे रहे हैं अपने बात को पुष्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आया था धर्म ब्रह्मणो विषय भेदा, दोनों विषय स्वरूप अलग है, फल भेदात फल भी भिन्न है, चौदना प्रवृति भेदात जिज्ञासी भेदात, और अब आगे यहां पर जो श्रुत निगमाच्च है कि नहीं, ये हेतु इतने हेतु दिए हैं इन्होंने अभी तक,
सबसे पहले आया था धर्म ब्रह्म जिज्ञास फल जिज्ञास वेदाच जिज्ञास वेदात और फल मतलब फल जिज्ञासो भेदाच फल भेद जिज्ञासी वेद दो तो हो ही गया ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो चौदना प्रवृत्ति वेदात हाँ, तीन और अब जो है छठा दे रहे यहाँ पर आपका जो है श्रुत्य नुगमा चौथा वाला श्रुत्य नुगमा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति इत्याद्या श्रुतयः तद विजिज्ञासु तद ब्रह्म इति प्रत्यक्षम एव ब्रह्मण जिज्ञास कर्मत्वं दर्शयन्ति। देखो प्रत्यक्ष ही दर्शाती है श्रुति नहीं तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म करेंगे नहीं उसी को जानो और तद क्या है वो ब्रह्म ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अच्छा जिज्ञास कर्म कौन होगा ब्रह्म स्पष्ट ही श्रुतियां बोल रही है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति इत्याद्या श्रुतयः इतिहास आरंभ करके यक्ष से जिसको कहा गया था उसी को आगे कहता है वह जो है तद विजिज्ञास वरुण है ना वरुणम पितरम भृगु रूप संसार भृगु गया भृगुवल्ली की बात है इसलिए उस प्रतिज्ञा वाक्य में यक्ष से जिसको कहा गया था उसी को आगे क्या कहते वो तद विजिज्ञास उसको जानो जानने की इच्छा करो। इच्छा करने का मतलब यहां पर इच्छा का कर्मत्व ने उसको ग्रहण कर लेना तद विजिज्ञास तद ब्रह्म प्रत्यक्ष में ब्रह्मण जिज्ञास कर्मत्वम दर्शयंती। इस प्रकार से श्रुति और सूत्र परस्पर एक वाक्यता को प्राप्त कर गया समन्वय हो गया। अब शेष अष्टे मानेंगे तो यह समन्वय हो नहीं सकेगा श्रुति का सूत्र के साथ ये वाक्यिक वाक्यता इतर तैतृ श्रुति और इस ब्रह्म सूत्र की वाक्यिक वाक्यता जो हो रखा है यहां पर वो नहीं हो पाता क्योंकि वो कहता है संबंध सामान्य सूत्र और श्रुति कहती है कर्म। संबंध सामान्य और कर्म में बहुत फर्क है कर्मत्व और संबंध सामान्यत्व का परस्पर विरोध है इसलिए जो है परस्पर अन्वय नहीं होगा वाक्यों का। ये सूत्र रूपी वाक्य का श्रुति रूपी वाक्य के साथ में परस्पर अन्वय नहीं हो सकता। और यदि हम मान लेते वहां भी कर्मणी में षष्ठी और तार षष्ठी समास कर लोगे आप तब तो समस्या खत्म वहां भी कर्मत्व कह दिया यहां भी कर्मत्व है एक विषय हो गया दोनों वाक्यों की एक विषय को लक्षित होकर दो वाक्य जो होते हैं उनका क्या कहा जाता है वाक्य वाक्यता रूप अन्वय हो गया ये लाभ है। इसलिए कहती प्रत्यक्ष में ब्रह्मण जिज्ञास कर्मत्वं दर्शयन्ति तच्च कर्म निशेष परिग्रह सूत्रेण अनुगतम भवति। और वह बात जो है इस सूत्र के द्वारा षष्ठी कर्मणी में षष्ठी का परिग्रह करने पर ही अनुगत होता है मन स्वीकृत हो जाता है शास्त्र सम्मत श्रुति सम्मत हो जाता है तस्मात् ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी इसलिए ब्रह्मण में कर्मणि षष्ठी ही माननी चाहिए। अब जिज्ञास शब्द के और अर्थ की ओर जा रहे हैं ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अच्छा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन्वाच्या इच्छा यह कर्म जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा। जानने की इच्छा मतलब बस जान लिया ना आपने सुन लिया आपने जान लिया मैं ब्रह्म बात खत्म हो गई यही लोग लेते हैं कई लोग यही अर्थ ले रहे हैं आपने मेरे मुख से सुन लिया तो आपने जान लिया मैं ब्रह्म बात खेल खत्म। भाष्यकार कहते नहीं ये भाष्य का पंक्ति बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो ये मूर्ख लोग बोल रहे हैं कि भाई जानने से काम हो गया उसका खंडन है यहां। अवगति पर्यंतम ज्ञानम अवगति पर्यंत अवगति माने अप्रोक्षानुभूति अनुभूति पर्यंत लेना ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत है केवल जानने से नहीं होता ज्ञानम ज्ञातम इच्छा जिज्ञासा बात खत्म थी। लेकिन भाष्यकार ज्ञातम का ज्ञानम अर्थ क्या कर दिए अवगति पर्यंतम ज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है भाषा की। केवल श्रवण से काम चलता नहीं उसका अंग भूता मन निध्यासन सम्यक साधित होनी चाहिए। कल आपकी बात आ गई ना शंकर तुम्हारी प्रश्न का जवाब है ये अनुभूति पर्यंत ले जाना पड़ेगा श्रवण मात्र से काम चलेगा नहीं उसके लिए कुछ अंग है मनन और निध्यासन। श्रवण हुआ सम्यक तो मनन होगी निध्यासन होगा निश्चित और अनुभूति होगी जब तब कर अब हो गया काम सही सही श्रवण हो गया था तब यह सब हो गया नहीं तो नहीं होगा।
इसलिए यहां पर कहते हैं अवगति पर्यंतम ज्ञानम संवाच्छाया इच्छाया कर्म, तादृश ज्ञान को इच्छा का कर्म समझना, केवल जानने की इच्छा कर ली काम हो गया नहीं, अनुभूति पर्यंत ज्ञान हो तादृश ज्ञान की इच्छा करना। किदृश ज्ञान की? श्रावण ज्ञान नहीं हुआ ना, इसका मतलब केवल ज्ञान की इच्छा नहीं, अनुभूति पर्यंत हमें ले जाए ऐसे ज्ञान की हमें इच्छा करें। जो अनुभूति तक ना पहुंचावे वह ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ ही है। इसलिए अवगति पर्यंतम ज्ञानम यत्तत्तेव संवाच्यया इच्छाया कर्म, उसी ज्ञान को हम सन प्रत्येक, सन माने सन प्रत्येक अगर लघु में, सन प्रत्येक जो वाच्य भूता इच्छा है उस इच्छा रूपी क्रिया का कर्म समझो। फल विषयत्वाद इच्छाया, क्योंकि इच्छा यहां पर जो है फल विषय है, उपाय इच्छा नहीं, साधन इच्छा का नहीं है, कि जो कर्म तत्व तो क्या है यहाँ पर ब्रह्म है, साधन नहीं है, वो तो फल स्वरूप ही है। फल विषयत्वाद इच्छाया, इसलिए उक्त ज्ञान इच्छा का भले कर्म है, ज्ञान क्या है इच्छा का केवल कर्म है, लेकिन कैसा ज्ञान होना चाहिए वो फल पर्यंत पहुंचाने वाला ज्ञान को ही वास्तव में हम कर्म मानेंगे। हम साधारण कर्म नहीं मानना चाहते हैं, असाधारण कर्म मानना चाहते हैं। कर्म दो है ना, एक साधारण होता है एक असाधारण होता है, इसको मुख्य और गौण कहते हैं व्याकरण भाषा में, एक मुख्य कर्म है एक गुण कर्म है कि नहीं। और मुख्य कर्म है तो कर्मनीति से होता ही है, गुण कर्म में भी अन्य सूत्रों के द्वारा द्विकर्मक धातु बन जाते, इसीलिए द्विकर्मक धातु अकृत्यादि पढ़े ना, वो सब है क्या, वह एक मुख्य है गाम दोग दीपया जैसे प्रयोग कर दिया, वह गाम में क्या है गुण कर्म है, मुख्य कर्म थोड़े पय ही मुख्य कर्म है, दोहन का दोहन रूपी क्रिया का मुख्य कर्म तो पय है और गौण गाम हो गए जिससे आपको हो रहा है। इसलिए यहां मुख्य कर्म कौन है, अवगति है हमारी, फल अनुभूति ही मुख्य कर्म है, हर सुन के ज्ञान जो पा रहा हूं ये गुण कर्म है गौण है। यह हम तभी मानेंगे हमने पाया है जब उस लक्ष्य को पा सकेंगे। इसलिए कहते हैं फल विषयत्वात् इच्छाया, और फल क्या है आवरण रहित ब्रह्म स्वरूप ज्ञान करे निशेष, आगे कहेंगे फल क्या है स्वयं ज्ञाने नहीं प्रमाणे न अवगंतुम इष्टम ब्रह्म, प्रामाणिक ज्ञान के द्वारा, ज्ञाने नहीं प्रमाणे न, और वो भी परिषद में प्रमाण के जन्य ज्ञान के द्वारा ही हम ब्रह्म को अनुभूति करना चाहते, अवगंतुम इष्टम ब्रह्म अवगतिर ही पुरुषार्थ, ब्रह्मानुभूति ही वास्तविक पुरुषार्थ है। और ब्रह्मानुभूति क्या है, निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निभरणा, कि समस्त जो संसार का बीज भूता अविद्या आदि तज्जन्य जो काम कर्म मोह लोभ इत्यादि सारे चीज अनर्थों का विनाश जो होता है होने से किसे होता है ब्रह्मावगति से, जिसलिए ब्रह्मावगति इन सबको नष्ट कर देता है, इसलिए ब्रह्मावगति परम पुरुषार्थ माना गया। निश्चय संसार बीज अविद्या आदि अनर्थ निवरणात ब्रह्मावगति भी परम पुरुषार्थ, तभी हम इसलिए उसको परम पुरुषार्थों में मानते हैं, क्योंकि जो है वह संसार का कारण ही भूता, बाधितानुवृत्ति से भले बाद में संसार दिखाई देते रहेगा, बाधितानुवृत्ति से संसार का दृश्य दिखाई देने से कोई आपत्ति नहीं होता, सत्यत्व गृहित जो संसार ही दुख का कारण होता है, क्योंकि अटिकाऊ वस्तु को आप सत्य समझ गए, आपने सोचा भाई हम इससे जो है संबंध रखेंगे तो हमारा जिंदगी भर का काम चलेगा, लेकिन क्या करे उसके बाद मर गया वो, आपने उसको यही मान के चला तो जिंदगी भर रहेगा, यावत कालंद मदायु तात रस्यापि दृढ़ कर लिया आपने, ये तार जो आयुगत सत्यत्व जो स्वीकार किया था आपने वो भंग जैसे हुआ आपको दुख होगा। इसे संसार में सत्यत्व दृष्टि जो है ना यही हमारे दुख का कारण है, संसार दुख का कारण नहीं है, इसे कहते हैं निशेष संसार का बीज अविद्या, ये नहीं करे निशेष संसार जो है निवारण हो जाएगा, संसार उड़ जाएगा खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं संसार खत्म की बात नहीं हो रहा है, संसार का कारणीभूता जो अविद्या है
और आदि से लेना तज्जन्य काम कर्म लोभ मोह क्रोध आदि, वे जो अनर्थ का नाश हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मावगति को हम पर पुरुषार्थ मानते हैं, वही हमारा वास्तविक फल है। वही क्या है? फल है आवरण रहित ब्रह्म स्वरूप का अनुभूति, यही वास्तविक फल हुआ। आवरण की अविद्या, जब अविद्या का निवारण का मतलब क्या है? आवरण रहित ब्रह्म स्वरूप अवगति, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, यही वास्तविक हमारा फल है इच्छा जिज्ञासा का, वही वास्तविक में परम पुरुषार्थ है हर मनुष्य का। तस्मात इसी कारण से निष्कर्ष निकला, ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्, ब्रह्म ही वास्तव में विशेष रूपेण जिज्ञासितव्य है, ये सिद्ध होया। इनको एक कह सकते हैं महाराज, ये तो आपने जो बताया तो उल्टा प्रक्रिया हो गया, कि पहले जानना होता है, जानाति इच्छति ततो यतते, न्याय सामान्य सिद्धांत है, नियम है, पहले जानोगे फिर चाहोगे फिर करोगे। यहां तो करे पहले चाहो फिर ज्ञान फिर यत्न, उल्टा हो गया। इच्छा का कर्म ज्ञान कर दिया ना आपने, तब कहेंगे कि भाई सामान्य ज्ञान के बाद ही इच्छा होती, विशेष ज्ञान के बाद नहीं। ज्ञान सामान्य रूपेण सबको मालूम है, आरंभ कर रहे इस पर विचार देखिए भाष्यकार। इसीलिए तत्पुनर ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्या, बताओ ब्रह्म पहले से प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है? उभयतस्पासारज्जो, प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा क्यों करो? जब सारी दुनिया जानती है उसको जिज्ञासा करने की जरूरत क्या? अरे नहीं प्रसिद्ध है फिर कोई जिज्ञासा कर ही नहीं सकता ऐसे विषय। जैसे अप्रसिद्ध खपुष्प है उसको जानने की कौन इच्छा करे? वंध्या पुत्र का जो है लंबाई चौड़े नापने की कौन प्रयास करेगा? है कोई टेलर को कहो कि आप अमुक जगह जाइए, वहां एक वंध्या पुत्र है, उसका पैंट शर्ट सिलना है, आप जो उसका नाप तोल करके आइए। वो सुनते ही कहेगा पागल हो गया जा तू यहां से, वंध्या पुत्र को नापेंगे? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जो अप्रसिद्ध दुनिया में उसकी जिज्ञासा तो हो ही नहीं सकती, और ये प्रसिद्ध है तो भी जिज्ञासा नहीं हो सकती, प्रसिद्ध है ना, आप जानते ही हैं जिसको, उसकी क्या जिज्ञासा करोगे? इसलिए कहते हैं भाई यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, अतः अप्रसिद्धं चेत् नैव शक्यं जिज्ञासितुम्। यदि वो प्रसिद्ध है वो जिज्ञासा का योग्य नहीं रह गया, और यदि वो अप्रसिद्ध है फिर तो भाई तब भी जिज्ञासा करना संभव ही नहीं है, फिर तो अत्यंत असत होने के नाते। छेद उच्चत है, कहते बात सही है तुम्हारा, यदि हम वस्तु को जानते हैं फिर उसकी इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर भेद निष्ठ नहीं है ना जानना इच्छा, जानना और इच्छा जो चीज है जिसका विषय है भेद निष्ठ नहीं है। आप घट को जानते हैं फिर घट को प्राप्त करने की इच्छा करोगे, फिर उसके अनुकूल प्रयत्न करोगे, यहां तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई यदि वो प्रसिद्ध है फिर तो जिज्ञासा नहीं हो सकता, और अगर प्रसिद्ध है कि यहां पर पहले कहा था केवल जानना मात्र ही, यहां पर जानना मात्र ही है, जान लो और जानने का मतलब अनुभूति पर्यंत, स्पष्ट यहां के बोला ना आगे आकर के अनुभूति पर्यंत ज्ञानी समझना। मैंने कहा था ना वो धर्म जिज्ञासा क्या करती है, धर्म को जो है पुरुष को प्रवृत्त कराते हुए ही बोध कराती है साधारण, और ये जो है प्रवृत्त कराती ही नहीं सीधे स्वरूप बोध करा देती, केवल ज्ञान कराती है श्रुति। ये दोनों प्रकार श्रुति में भेद शुरू में विचार हो चुका था। इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसी स्थिति में जो है ये हम विचार करते हैं, जब अभेद ही है मैं ही वही हूं और ही मैं ब्रह्म हूं तो मैं प्रसिद्ध हूं, तो मैं अपने आप को जानने के लिए प्रयास करूंगा क्या? मैं अपने क्या जानूंगा? मैं अपने आप में जानता हूं मैं हूं और क्या जानूंगा, उसे क्या जिज्ञासा होगी? और क्या जिज्ञासा रह गया इसमें? कुछ भी नहीं। अगर ये मैं ब्रह्म नहीं हूं और ब्रह्म अप्रसिद्ध है फिर मैं क्यों जिज्ञासा करूं उसकी? जो आप प्रसिद्ध है असत के समान है, जो अप्रसिद्ध का मतलब असत्य खपुष्प वंध्या पुत्र के समान, उसे वो जिज्ञासा होकर उस पर जिज्ञासा असंभव हो जाता है। इति चेत उच्यते, तब कहते बात सही तुम्हारा खाना, सब जानते हैं ये तो ब्रह्म प्रसिद्ध है।
लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते, समस्या तो ये। जानते सभी है, मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं हूं, ये कौन नहीं जानता? कोई एक चाहता है कि मैं ना हूं ऐसा हो जाए? मान भुवम इति मा भूयासम, सभी यही चाहते हैं, मान भुवम भूयासम एवं, ये सभी जान रहे। कहते बात सही है, सब जानते हैं, लेकिन कैसे जान रहे हैं? परिच्छिन्नत्व ने जान रहे हैं, अल्पज्ञत्व ने जानते हैं, अल्प शक्तिमत्व ने अपने आप को मान रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो। आत्मा को सभी जानते हैं, इन कैसी आत्मा को जान रहे हैं? क्या अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, अपने आप को शुद्ध ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव? नहीं, वो कहते नहीं, मैं तो बंधन में हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा आऊंगा, ये सब बातें करता है। यही फर्क है, इसे कहते अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्गुण दृष्टि जा कह दिया, ब्रह्म अस्ति सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, सगुण ब्रह्म दृष्टिया, दोनों प्रकार के ब्रह्म को सब जानते हैं, सभी जानते हैं। आत्मा को पुण्य पाप लगता नहीं है, सब डायलॉग मारते हैं, इसलिए गांव में भी चले जाओ और देहात भी खेती बोल रहा है वो भी बोलेगा। बहुत गर्मी है तो कभी कभी वो वेदांत में रहता है, उसका खोपड़ी कहता है, अरे गर्मी किसको लग रही है? शरीर को लग रही है, मेरे को थोड़ी लग सकती है। तो गंवार भी बोल रहा है वेदांत, बात भी उसकी सही, आत्मा को थोड़ी गर्मी लगती है, गर्मी तो शरीर को लग रही है। जब आप थोड़ा उपहास के में बोल रहे ना, वो चुड़ जाता है, तब वेदांत निकलता है खट से, असली चीज बोलने लग जाते हैं। वो भी जान रहा है नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला कोई निर्गुण ब्रह्म है, जैसे गर्मी ठंडी कुछ नहीं लगती। और ये भी जान रहा है क्या, वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, भगवान की कृपा होगी, वर्षा होगी, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। इसलिए जो है पांच पाद का हालिक भी जानता है इस बात को कि भाई नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा भी है, कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नाम का भी आत्मा है, निर्गुण भी है सगुण भी है, सभी जानते हैं। और ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति जो पढ़े लिखे तो जानेंगे ही, क्यों? वो ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे, किस धातु से बना ब्रह्म शब्द विचार करोगे तो उस से अर्थ निकल जाएगा स्वयं ही। क्या अर्थ निकलेगा? कि ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्यमान से नित्य शुद्धत्वादि अर्थ प्रतीयन्ते, क्यों? बृहतेर धातुर अर्थानुगमात्, बृह धातु के अर्थ कैसे, यही अनुगम होता है, यही ज्ञान होता है, परिनिश्चय होता है। भाई ब्रह्म जो बृह धातु से व्युत्पत्ति से सिद्ध हुआ जो ब्रह्म शब्द है उसे नित्यत्व है, शुद्धत्व है इत्यादि। जो बृहत है अर्थ जो सर्वव्यापक है वह अवश्य नित्य होगा, वह शुद्ध होगा, वह जो है बुद्ध होगा, वह मुक्त स्वभाव वाला होगा। क्यों? हम जिस आकाश को देख रहे हैं एक व्यापक रूपेण, जब इस आकाश ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है तो इसका भी जो व्यापक होगा, जो ब्रह्म शब्द से बोधित हो रहा है व्यापकता से, वो तो अवश्य ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होगा। अतएव यत किंचित व्यापकम तत् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान सर्वज्ञंच एतार सामर्थ्यवान वह स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतएव ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति के द्वारा भी अर्थ निकल जा रहा है। और तीसरा सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि, सभी का आत्मा ही ब्रह्म है। सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि, सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्यति। इसलिए देख लो किसे ही पूछो, तुम हो? और यही कह, हाँ जी मैं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कहता। नाम अस्मिति, नाम अस्मिति न कदाचित अपि, मैं नहीं हूं ऐसा कभी नहीं बोलेगा। मैं हूं करके ही सभी अनुभव करते हैं, सभी को ज्ञान होता है। अहम आत्मा अस्तित्व एव सर्वो प्रत्यति, सभी के सभी लोग आत्मा के अस्तित्व का ही ज्ञान करते हैं, अनुभव करते हैं। नाहम अस्मिति कदापि न, मैं नहीं हूं ऐसा कभी कोई अनुभव नहीं करता। अस्तित्व उपलब्ध व्या, इसे कटोप परिषद में कहा, अरे जिसको तुम अस्तित्व उपलब्ध कर रहे हो उसी को समय प्रकार से चिंतन करो, वह है कौन जो मैं हूं बोल रहे बार बार,
यदि ही न आत्मसिद्ध प्रसिद्धि स्यात् सर्वलोको नाम स्मित्येव प्रतीयात्। यदि आत्मा के अस्तित्व प्रसिद्ध न हो संसार में, फिर लोग क्या कहना चाहिए? सर्वलोको, सारी दुनिया यही बोलनी चाहिए कि नाम अस्मी, यही बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता, किसी को ऐसा प्रतीति नहीं होती। और वो आत्मा जिसको अस्ति करके कह रहे हैं सभी के सभी, वही क्या है? ब्रह्म, आत्मा च ब्रह्म। वो आत्मा और कोई नहीं, वो साक्षात ब्रह्म ही है। बृहत्तत् बृहणत्वाद्वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। बृहत्तत् बृहणत्वाद्वा, बृहो धातु से भी कर सकते हैं, बृहदा से भी हो सकती है, दोनों ही है। इसलिए बृहत्तत् अथवा बृहणत्वाद्वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, भामति का पंक्ति है, ये भामति में लिखा है। इसलिए आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है, ऐसे भी लोगों ने कहा है। यदि तेरी लोके ब्रह्म आत्मतन प्रसिद्धम अस्ति तो ज्ञातमेव इति अजिज्ञासत्वं पुनरापन्नम्। पूर्व पक्षी कहता है, महाराज यदि लोक में ब्रह्म आत्मरूपेण प्रसिद्ध है, ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम, सभी दुनिया में सबको मालूम है कि मेरी आत्मा है और वो आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म आत्मरूपेण इस दुनिया में यदि प्रसिद्ध है, फिर तो ज्ञातमेव, फिर तो ब्रह्म सबका ज्ञान का विषय हो चुका है, सब उसको जानते ही हैं। जो जानते हैं उसके बारे में जो जिज्ञास नहीं होता, अजिज्ञासम पुनरापन्नम। इसलिए अजिज्ञास तो जो दोष है वो दो बार आपके सर पर सवार हो गया। लोग कहते रहे थोड़ा, अरे मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं अच्छी तरह से तुम्हारे बारे में, चुप रहो। डांटते कि नहीं लोग, जब बात हो जाता है किसी बात पे साफ बोलते, चुप रहो हम सब जानते तेरे। अरे क्या है, मैं अब कुछ तुमसे जानना नहीं चाहता, कि जो जानते हैं उसके बारे में जिज्ञासा नहीं। इसलिए यदि आत्मत्व प्रसिद्ध है वह ब्रह्म, तो सभी जानते ही उस चीज को, अतः कोई इसकी जिज्ञासा कर ही नहीं सकता। अतः अर्थात ब्रह्म जिज्ञास विधान दर्शन आपने जो आरंभ किया व्यर्थ ही है। इति चेत न।